अरविंद कुमार पांडे जी नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हाल चाल? कहाँ सर बढ़िया। रहते हैं? सर मैं तो यूपी आजमगढ़ से हूँ, जी लेकिन छपरा में ड्यूटी करता हूँ सर। फिजिकल टीचर हूँ। हाँ पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि आपने बहुत अच्छा ये काम किया है। और मैं तो अगर मेरे बस में होता तो मैं शायद आपको 10 साल की उम्र का दे देता कि आप और लंबी उम्र जिए और ताकि सबके लिए काम कर सके, लेकिन मेरे बस में नहीं है। जी लेकिन फिर भी मैं दुआ और भगवान प्रार्थना को कि आप पहले 10 साल और जिए, 20 साल जिए, 100 साल जी जिए, अधिक जी अपनी उम्र। थोड़ा जी सा जी हमें कहना चाहेंगे, थोड़ा सर 2 मिनट के लिए मैं अपना हिस्ट्री बता दूं आपको। जी सर एक बार क्या हुआ था कि मैं फिजिकल टीचर हूँ, यहाँ पे आया था तो थोड़ा मैडम आई थी, तो उसमें खाना पीना का रूटीन सही था, वो मैडम चली गई। मैं 8-10 दिन से मतलब खीर और दूध खा रहा था ज्यादा मात्रा में, और मैं सुबह शाम वही खा के सो जा रहा। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चैन से सोता खेलता कूदता था। क्या हुआ सर कि एक बार मेरे ऊपर एक हरियाणा का डॉक्टर सीएचओ है स्वास्थ्य विभाग में, वो मुझे दूध में चीनी डालते हुए देखा, तो मैं काफी मात्रा में डाला हुआ था। तो उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि आप एक बार सर शुगर चेक करवाएं, शुगर चेक करवाएं। तो मैं बोला कि यार मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं कोने अब कोई किसी बात की कोई नोटिस नहीं किया कि मालिक कि हमें कोई दिक्कत हो तो हम अपने किसी दिखाएं, मैं खेलना कूदना मस्ती से सोना पीना सब एकदम ओके। लेकिन एक बार वो मेरे स्कूल पे पहुंचा, बोला सर मुझे मेरे सेंटर पे छोड़ दीजिए। मैं सेंटर पे छोड़ने गया तो बोला कि ग्लूकोमीटर से सर आइए अपन। तो मैं थोड़ा सा इस चीज पे विश्वास नहीं रखता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं, तब तक कोई चेक करवाने में मानसिक बर्डन हो जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी स्टडी स्टडी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं सर। लेकिन उसने जिद किया कि नहीं लाइए माप देता हूँ इसे। अब उस दिन वो मापा तो मुझे तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि आपका शुगर बहुत हाई है। तो मैंने पूछा कितना है। अच्छा उस दिन सर पहले पटना में मेरा प्रोग्राम था, मैं गया था। उस दिन सर मैं जो मीठी लस्सी नहीं होती है, दिन भर वो लस्सी 3-4 ठो और ठंडा पिया था, खाली पेट कुछ नहीं खाया था। वहां से मैं आया, रात को सो गया। इसके बाद जो है वह दूध रखा था, मैं आधा लीटर दूध रखा था, और मेरे दो दो मोट मोट रोटी हरियाणवी बनाता है वो बनाया था। मैं सुबह क्या किया कि दूध में कम से कम 80 ग्राम से नीचे चीनी नहीं रहा होगा आधा लीटर में, मैं अच्छे से थोड़ा चीनी बहुत ज्यादा खाता। खा के वही सोया था, खा के 1.5 घंटा हुआ था, सेंटर पे पहुंचा, खाया था मैं सर वही। और सेंटर पे मैं पहुंचा, बोला कि आप दीजिए आपका नाता। मैं नहीं यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं छोड़ दिया, मैं चल रहा हूँ मैं अपने स्कूल। तो बोला नहीं लाइए। अब उस दिन आया नापा सर, मुझे तो नहीं बताया दूसरे दूसरे से लोग, लेकिन इसके बीच 29 दसवें अक्टूबर में 29 को वो मापा था। 3-4 दिन मुझे 5 तारीख 5 दिसंबर को बताया कि आपका सर शुगर उस दिन 330 था, मैं आपको बताया नहीं, आप कृपया वो कर लें। इसके बाद तो मेरे सर मुंह से पूरा इतना आँच न निकलना शुरू हुआ, मैं इतना स्ट्रेस में आ गया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ उस चीज को। फिर मैं नहीं मेरा मन माना, तो यहाँ पे एक लोकल पैथोलॉजी वाला मैं वहां गया। अब मेरा खाना पीना नींद सब हराम हो गया, मुझे कुछ भी कहीं भी कुछ होता था तो अरे बढ़ गया है बढ़ गया, मतलब इस तरह का स्ट्रेस मुझे काफी हो गया। नींद नींद नहीं आना, नहीं तो मैं बहुत सोता था। इसके बाद सर क्या हुआ कि मैं जो है एक लोकल पैथोलॉजी पर नपवाया, तो वहां पर गया मैं रात रात भर सर नींद, तब समझ ली कि अब क्या मेरी। हाँ सर, तो वो गया, मुझे न नींद आना न खाना पीना सब कुछ मेरा छूट गया। वहां पे गया तो मेरा मन नहीं माना, मैं चाय वगैरह पी लिया था हालांकि, तो गया तो वो बोला कि नहीं आपका 174 है। मैं उस दिन पूरे स्ट्रेस में था। फिर मैं वहीं से घर निकल गया सर, आजमगढ़ निकल गया, अपने घर निकल गया। रात को गया मैं, जैसे ही आजमगढ़ स्टेशन मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं इतना इतना आराम रिलैक्स हो गया। घर गया, अच्छे से खाया पिया सोया। और एक पैथोलॉजी है, संस्कार पैथोलॉजी है, मतलब विश्वसनीय पैथोलॉजी, मैं वहां पे गया सर। तो वहां पे सुबह मेरी फास्टिंग मैंने पाया तो 96 मेरे पास है, 96.20 आया खाली पेट, मतलब कि सुबह फास्टिंग, और जी पोस्ट में आया 158। ठीक है। इसके बाद सर तो बोला कि आपका तो नॉर्मल है। फिर इसके बाद मैं अब सोचा कि मैं स्कूल चलूं, थोड़ा नॉर्मल थोड़ा रिलैक्स में हुआ। इसके बाद दूसरे दिन मैं फिर खा के मपवाया तो सर उस दिन आया था मेरा 158, मतलब खाना खाने के बाद। ठीक है। ये 1 महीने में, इसके बाद मैं इतना स्ट्रेस में था कि मैं भी यूट्यूब पे खोजना शुरू किया तो मैं आपको पा गया सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ आपका कि जब मैं आपका जी पहली वीडियो देखा कि बढ़ा हुआ शुगर से नहीं मान लेना चाहिए कि मुझे शुगर है। मैं उस हाँ दिन बहुत सोया सर, बहुत सोया उस दिन, मैं सोया भर नहीं सोया, और मैं रात भर जी सोया। तो भगवान से ही प्रार्थना कि अनूप सर मगर मेरे से अगर कट सकता है तो 10-20 साल काट के दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अनूप सर को दे दीजिए जिए, ताकि कम से जो मरने वाले व्यक्ति हैं वो तो कम हो जाए कम से कम। सर आज 1 महीना
अबाउट हुआ, मेरा आया खाना खाने के बाद पीपी आते समय, फिर मैं गया था घर गया था, तो कई बार हमने करवाया सर पीपी फास्टिंग, 10 10 दिन पे, 15 दिन पे। तो मेरा कभी भी फास्टिंग सर कभी 77 रहा, 87 रहा, 96 रहा, कभी नहीं ऊपर गया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा सर 141, इसके बाद जो है 136 इस तरह करा बीच में। और सर इस बार मैं जब आया हूँ, आपको बता दें, थोड़ा सा समय लेंगे सर, 9 11 23 को आया हूँ, तो करवाया हूँ फास्टिंग था 101 और खाना खाने के बाद 113 था। फिर मैं तो दूसरे दिन आपने करवाया इतना कम खाना खा कैसे किया? आपने इतना कम कैसे जी। किया? पहले तो 300 के ऊपर। मैं कुछ नहीं किया सर, केवल आपका देखा और डाइट फिट फॉलो किया, जी क्या फॉलो किया डाइट वो बताइए फिट थोड़ा सा। खाने जी, मैं आपका प्रोग्राम देखा और डाइट फिट फॉलो किया है कि मुझे जी क्या खाना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना। आपसे आपके सारे वीडियो को मैंने देखा, तो जो मेरे नॉलेज में थोड़ा सा आ गया कि प्रोटीन मुझे लेना है 150 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट लेना है, 26% कैलोरी लेना है। हमको पता है सर कि कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4.1 कैलोरी होता है, वसा में 9.1 होता है सब। थोड़ा सा फिजिकल होने के नाते बीपीएड किया हूँ सर बीएचयू से, तो मेरा ए आया। तो वही मैं कब से जानना चाह रहा था कि सर क्या मेरा है, जैसे फिर खाना खाने के बाद मैं पाया तो 96 आया, रेंडम जी हमारा 117 तोला है, जी तो इससे क्या समझे। इससे समझे कि जब आप एक डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि शुगर बहुत हाई था, ठीक है, उसी समय आपको हमारा वीडियो मिल गया, आपने डायफिट डाइट को फॉलो किया और आपने बैक गियर लगा दिया, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और न्यूली डायग्नोज हुए, और आपको क्या तरीका खाने का है, जैसे आपने 4 ग्लास लस्सी पी ली मीठी, तो शुगर तो बढ़नी है, आज कल बढ़ेगी, कभी ना कभी बढ़ेगी, जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो शुगर सर बढ़ती एक है। मिनट, मैं 10 दिन से करीब करीब सुबह शाम खीर बना के खा रहा था, इतना आलसी हो गया था हाँ, तो खीर खा रहे थे और चीनी दबा दबा के डाल रहे थे, तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे थे, तो उसके इसीलिए हम कहते हैं कि बढ़ी हुई शुगर का मतलब डायबिटीज नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो शुगर कई बार बढ़ता है, टेम्पररी भी बढ़ता है, ठीक है, और जब आप अपने डाइट को सही करेंगे, जैसे कि सही मतलब डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे, कैसे, 26% कार्बोहाइड्रेट, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन, बाकी कैलोरीज जो है वो फैट, जब आप ये चीज फॉलो करेंगे, नतीजा आपके सामने है, आप खुद ही देखिए आपकी शुगर 105, 90 95 ऐसे करके आ रहा है ना, खाने के बाद भी कई बार बहुत बढ़िया 100 के नीचे आ जाता है, तो इसी आज डाइट आज को सर मैं अपने फॉलो। को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपसे बात मेरी हो रही है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज बात हो रही है मेरी अनुपम सर से, जी, तो एक बड़े खुश है अभी डॉक्टर आप। से, HbA1c नमस्कार कितना है सर आप? जी। HbA1c कितना है, कराया वो जी आप? मैंने सर HbA1c नहीं कराया? करवाया, वो एक जो लोकल डॉक्टर थे वो बोले कि खाने की वजह से बढ़ा था, जब नॉर्मल आ रहा है शुगर तो आप केवल मीठा कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, उसमें मैं आपका फॉलो कर लिया हूँ। अभी मेरे सामने ठीक है, आप सर पड़ी हुई, मैं HbA1c करिए, टोटल देखिए मैं केवल आपको एक और मैसेज दिखाता हूँ, एक मैसेज दिखा रहा हूँ, ये देखिए मोहम्मद जी का भी, सर आपका वीडियो देखकर HbA1c 12 से 6.8 पे ले आया है, आप सिर्फ डाइट फॉलो करेंगे 12 से 6.8 पे आ गए, और बहुत जल्दी इनका भी और कम हो जाए। HbA1c एक करिए, मुझे उम्मीद है कि वो भी नॉर्मल में ही होगा आपका, क्योंकि शुगर नॉर्मल आ रहा है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डायबिटीज नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको नहीं होगा, और बढ़ी हुई शुगर का मतलब डायबिटीज नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है आपको, फास्टिंग इंसुलिन चेक कराइए। यही बात सुन के सर मैं उस रात को बहुत सोया, चैन की नहीं सोया सर। मैं उस दिन जब जब उठा तब तक मेरे ध्यान में सिर्फ आप दिख रहे थे, मैंने कहा कि प्रभु जी अगर अगर मेरा हो सके तो मेरी 10 20 साल उम्र काट के अनुपम सर को दे दीजिए आप, जी मुझे जी बस बहुत उतना ही बहुत जीना कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं, और मुझे दे दीजिए जी सर को, दे दीजिए दम दे दीजिए। और जी आपकी वीडियो अभी मैं आप काफी डाइट शेयर किया, फॉलो काफी करेंगे, लोगों को बताया, आपकी भी मैं तो बहुत लाइक। लंबी उम्र रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आ सर मेरा 8 को 8 को परीक्षा एक और है, यही पटना में ही है, तो मैं आप बहुत जी सौभाग्यशाली हूँ कि आपको सारा बात अपना बता चुका। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या मतलब खाने की वजह से बढ़ा था या फिर कुछ ऐसा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था आपको, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे थे, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से टेम्पररी शुगर बढ़ती है, अभी आपने डाइट सही कर लिया तो शुगर ठीक हो गया, और इसी डाइट को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, ठीक है, तो इसी। मैं
केवल यही सोच रहा था सर कि मुझे शुगर ना हो, मैं जिंदगी भर कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन डाइट 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 फिट एकदम फॉलो करता रहूंगा, केवल इस मानसिकता से फिर ना हो कि मुझे नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको कभी फिर दवाई वगैरह कभी भी कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आपको एनजाइटी नहीं होगा, आपका कुछ नहीं वीडियो होगा, मैं सर नहीं बहुत देखा होता तो मैं पक्का डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया था। अगर आपका वीडियो मैं नहीं पा पाता अगर संजोग से, तो जी पक्का मैं इतने स्ट्रेस में था, जो बताया ना सर, इतना मुझे टॉयलेट हुआ उस दिन कि मुझे जी मतलब बेड पे आ रहा था महसूस हो रहा, जाए आ रहा था महसूस होता रहा जाए, इतना ना हुआ सर कि क्या बताएं, मतलब उस दिन की बयान मैं नहीं, दुख की अपनी बयान नहीं कर सकता हूँ। वही जी रात को ढूंढते मैं 1 बजे रात बहुत को आपका वीडियो बहुत पाया, जी, बहुत बहुत 1 बजे रात को, धन्यवाद। मतलब मेरे वीडियोस और देखते रहिए, सीखते रहिए, बाकी जाते जाते अगर आप किसी, जो लोग भी आपको ज्यादा नहीं सुन रहे सर, हैं, थोड़ा बाकी सा उनको क्या मैसेज देना सर चाहेंगे? थोड़ा सा 3-4 वीडियो आपकी देख पाता हूँ मैं, ज्यादा नहीं क्योंकि स्टडी थोड़ा सा करता हूँ अभी, कोई तो बात तीन चार नहीं, वीडियो लेकिन आप अभी जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, बाकी लोग जो आपको सुनेंगे बाद में भी सुनेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको सर मैसेज मैं दूंगा कि सर आप डाइफिट डाइट को फॉलो करिए, वो खुद अपने आप में दवा है, जी और आप इसी तरह से लंबी उम्र जिए कि सबको डाइफिट मिल पाए और डाइट डाइफिट जी फॉलो करें, दवा की कोई जरूरत नहीं है, खुद अपने आप में दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर। ठीक है ना? है नहीं शुगर का ऐसा कुछ लक्षण नहीं ना है सर, नहीं, आप एच बी जो वन सी अपना टेस्ट जिसमें कराइए, एच बी वन सी और फास्टिंग इंसुलिन दो चीज टेस्ट कराइए, उससे पता, ठीक है? जी, इस रिपोर्ट से सर कुछ आइडिया सर जो बता रहा हूँ हिस्ट्री। इससे तो पता चल रहा है कि आपको अभी शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, बट एच बी वन सी कराएंगे तो उससे कंफर्म, ठीक है ना? जी सर, चलिए, जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया आपका, जय हिंद, जय भारत।